तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को। दोस्तों आज हम जानकारी लेके आए हैं कि BSF, बहुत से लोगों का SSCGD का एग्जाम है, चल रहा है और हो गया है। तो हम जिसकी भी BSF, एक जुनून होता है BSF में जाने का। BSF एक शान अलग ही होती है BSF की। BSF यानी खुला शेर, बॉर्डर पर दहाड़ता है अकेला, वो आपका खुला शेर कहलाता है, तो वो आपका BSF का होता है। हम इसी के लिए जानकारी लेके आए हैं। बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं आपको कि BSF ऐसी है, BSF वैसी है, BSF में ए होता है, BSF में वो होता है, ऐसा कुछ नहीं। आज हम उन्हीं सारी जो आपकी मिथ्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं BSF के बारे में, उन्हीं सारी बातों का खंडन करते हैं। देखिए बात करते हैं किसकी, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले BSF। BSF की बात करते हैं तो ये आपकी BSF, ये क्या है आपकी BSF, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल। BSF का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल। तो BSF क्या क्या काम करती है आपके, BSF का इसी के नाम में ही छुपा हुआ है, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी ये बॉर्डर की रक्षा करती है, बॉर्डर की, आपके बॉर्डर की रक्षा करती है। ठीक है, अगर बात की जाए तो CRPF दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। सब दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स क्या है, CRPF। लेकिन अगर BSF की बात की जाए, BSF की अगर बात की जाए, तो BSF क्या है, दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर को गार्ड करती है। कौन करती है, BSF। BSF दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर को गार्ड करती है। दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर को क्या करती है, रक्षा करती है। कौन करती है, BSF। BSF क्या करती है, दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर की सुरक्षा करती है। ठीक है, BSF ने दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर की सुरक्षा कर ली आपकी। जो आपके NDRF होते हैं, इसमें भी BSF के जवान जाते हैं। आपका NDRF में भी BSF के जवान जाते हैं। जो स्पेशल क्रोकोडाइल कमांडो होते हैं आपके, जो आपके क्रोकोडाइल कमांडो होते हैं, वो स्पेशल BSF के ही बनते हैं। कौन बनते हैं, BSF के। जो आपके क्रोकोडाइल कमांडो देखते हो, वो किसके बनते हैं, आपके क्रोकोडाइल कमांडो BSF के ही बनते हैं। और इनके अलावा अगर बात करें तो आपके NSG, SPG, CVI, NIA। अब तो NIA की आपकी डायरेक्ट भर्ती होने लगी है, लेकिन पहले आपके BSF NIA में भी आपके BSF के जवान जाते थे। पहले आपके NIA में BSF के जवान जाते थे। तो आपके NSG हुई, SPG हुई, CVI हुई, इनमें BSF के जाते हैं। ये परमानेंट नहीं जाते, ये आपके कुछ समय के लिए जाते हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। और जो बाहर भी हैं विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया हुआ और भी कई सारे देश हुए, वहाँ भी BSF के जवान जाते हैं। जो आपका क्रोकोडाइल कमांडो आपने सुना होगा, इसमें आपके BSF के ही जवान जाते हैं, स्पेशल BSF के ही जवान होते हैं। क्रोकोडाइल कमांडो में किसके होते हैं, स्पेशल BSF के ही होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपका जो वाघा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर पे भी आपके BSF के जवान होते हैं। कहाँ, वाघा बॉर्डर पे। आपने सबने देखा होगा, ऐसे कोई हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने वाघा बॉर्डर के बारे में सुना ना होगा या देखा ना होगा। ठीक है, आपका जो पैरा SF रहता है, क्या रहता है, पैरा SF, इसमें आर्मी के होते हैं, इसमें BSF के जवान नहीं होते, इसमें किसके जवान होते हैं, आर्मी के। ठीक है, BSF की सैलरी, तो जो आपकी ट्रेनिंग टाइम होता है, इसमें BSF को 21,700 बेसिक पे होता है। कितना होता है, 21,700 बेसिक पे होता है, बेसिक और इफ पे 21,700 बेसिक पे होता है। और ट्रेनिंग में आपका TA और DA नहीं मिलता है। ट्रेनिंग में क्या है, TA और DA नहीं मिलता है, TA और DA ये ट्रेनिंग में नहीं मिलते हैं आपके, ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं। HRE मिलता है ट्रेनिंग में आपका, HRE मिलता है। अगर पैसों के मामले में की जाए तो सारी पैरामिलिट्री फोर्सों में, अगर पैसों की बात की जाए तो आपकी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, सारी पैरामिलिट्री फोर्स में BSF में सबसे ज़्यादा पैसा है, बहुत पैसा है, राजा की नौकरी है।
ठीक है, राजा की तरह नौकरी। अगर आप इसको जॉब पर्पज से करना चाहते हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन आप जॉब पर्पज से नहीं, आपके अंदर देशभक्ति है, जुनून है भारत माता की रक्षा करने का, तो इससे और बढ़िया नौकरी कोई नहीं है फिर आपकी। जैसे CRPF हुई और BSF हुई, इनमें बहुत बेहतरीन आपको फीलिंग आती है, लेकिन हाँ जॉब पर्पज से बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जॉब पर्पज से करोगे तो परेशान रहोगे, ठीक है। आपको लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं, तरह तरह के झूठ बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है। मेरे हिसाब से पूछोगे, मैं इसमें काम करके आया हूँ, रह के आया हूँ, बहुत अच्छी जॉब है। क्या है? बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। अगर बात करें BSF के बारे में, तो BSF में ड्यूटी कई तरह से होती है। बॉर्डर पर कुछ अलग ड्यूटी रहती है, हेडक्वार्टर्स में कुछ अलग ड्यूटी रहती है, सेक्टर्स में कुछ अलग ड्यूटी रहती है। आपकी पूरा पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान और पूरा बांग्लादेश, पूरा पाकिस्तान और पूरा बांग्लादेश बॉर्डर को क्या करती है? BSF कवर रखती है, पूरे पाकिस्तान और पूरे बांग्लादेश बॉर्डर को कवर रखती है। आप BSF थोड़ी हार्ड है, BSF हुआ, CRPF हुआ, ITBP हुआ, असम राइफल हुआ, ये थोड़ी हार्ड मानी जाती है, ये थोड़ी हार्ड है। अगर जी की बात करें तो आपकी SSB, NIA, CISF और आपका SSB, ये नौकरी ऐसा नहीं है इसमें सुला के रखेगा कोई आपको, इनमें आपको कोई सुला के नहीं रखेगा, लेकिन ये क्या है, थोड़ी हार्ड है, थोड़ी मतलब इजी है, यानी इनमें इतनी मेहनत नहीं होती है, इतना वर्क नहीं होता है जितने आपके BSF होता है। और आपकी थोड़ी हार्ड कौन सी है? तो आपका BSF, ITBP, CRPF और आपका असम राइफल AR, ये आपकी क्या होती हैं? थोड़ी हार्ड होती हैं, मुश्किल होती हैं, ये क्या होती हैं? मुश्किल, ये थोड़ी मुश्किल होती हैं, ठीक है। अब हमने बेसिक पे की बात कर ली 21,700, और इसमें क्या है, BSF में आपकी जुलाई महीने के लास्ट में 10,000 रुपये आपका कपड़े का मिलता है, 10,000 रुपये आपके ड्रेसेस का अलाउंस दिया जाता है, यानी आपकी जो जुलाई महीने की सैलरी आएगी उसमें 10,000 एक्स्ट्रा आएगा आपके कपड़ों के लिए। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए J&K की, तो यहाँ 20,400 आपके एक्स्ट्रा मिलते हैं, 20,400 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं J&K में। ऐसे ही अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहाँ भी बहुत पैसा मिलता है, यानी सारी पैरामिलिट्री फोर्सों में अगर सबसे ज़्यादा पैसा किसी में मिलता है तो वो मिलता है BSF में, बहुत पैसा है इसमें, बहुत अमीर फोर्स है, बहुत अमीर फोर्स है, बहुत पैसा है, भर भर के देती है, ठीक है। अगर इनमें छुट्टियों की बात की जाए, किसकी बात की जाए? छुट्टियों की, इसको और छोटा कर हटा ही देते हैं इसको। अगर छुट्टियों की बात की जाए, आपकी लीव, लीव तो इसमें आपके 60 दिन तो आपकी CL और आपकी 15 दिन EL, 15 दिन कौन सी होती है? EL। चाहे लड़का हो आपके चाहे लड़की हो, दोनों के लिए आपकी 60 दिन की CL होती है और 15 दिन की क्या रहती है? EL होती है आपकी, ठीक है। और आपकी 15 दिन की और होती है, ये 15 डेज, लेकिन ये एक बार ही मिलती है, ये आपकी PL होती है, यानी जब आपकी फैमिली, आपके लड़का या लड़की, आपको सुपुत्र या सुपुत्री की प्राप्ति होती है, उस समय भी आपको 15 दिन की लीव मिलती है लड़कों को। लड़कियों के लिए अलग है, 6 महीने की लीव मिलती है जब उन्हें उनकी डिलीवरी होती है उस समय, लेकिन अगर आपकी वाइफ की डिलीवरी होती है तो आपको क्या होता है, आपको 15 दिन की लीव मिलती है अलग से। तो ये 60 दिन और ये 15 दिन हर साल मिलती है आपको, लेकिन ये आपके एक बच्चे पे होती है कि अगर आपको पहला बच्चा होता है तो आपको 15 दिन की लीव दी जाएगी लड़कों के लिए, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, इसमें छुट्टियां हो गई हैं। छुट्टी, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि छुट्टियां नहीं है, इसमें आपकी 60 ए छुट्टी हैं और 15 ए हैं, और जो EL है वो बढ़ के आपकी 15 से कितना हो जाती है, 15 से और 27 दिन तक हो जाती है। अब वो आपको डिपेंड करता है कि आपको लेना कब है, वो आपको डिपेंड करता है आपको लेना कब है। और आपको पता ही है BSF की रिस्पेक्ट कितनी है, BSF की कितनी रिस्पेक्ट है कि आपको अच्छे से इस बात की भी जानकारी होगी। और इसके अलावा बात की जाए तो अलग रुतबा ही मिलता है, AK-47 लेके जब चलने में जो मजा आता है, जब निकलते हो कहीं पब्लिक से तो जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग के आगे दुनिया की किसी भी मर्सिडीज में घूम लेना, किसी भी गाड़ी में घूम लेना, ये
फीका है, सब कुछ फीकी है इस वर्दी के आगे, इस वर्दी में निकल के 47 हाथ में हो, ठीक है, क्या मजा आता है, क्या जुनून रहता है, मतलब किसी को कुछ समझते नहीं है, इतना मजा आता है कि कुछ पूछिएगा मत आप। तो लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि ऐसी है वैसी है, ऐसी वैसी कुछ नहीं है, बहुत तगड़ी फोर्स है, बड़ा मजा आता है इसमें, ठीक है। अगर आपके भी कोई कमेंट है, आपको भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए किसी फोर्स से रिलेटेड, किसी भी फोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको किस फोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, ठीक है। अगर आपके BSF को लेके और भी कोई डाउट है, या CRPF को, या CISF को, या SSB को लेके भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट में हमें बताएं कि आपके डाउट क्या है, तो हम आप उनके आपके वो सारे डाउटों को दूर करेंगे। जो आपको एक भ्रांतियां फैलाई हैं, जो एक फैलाया जा रहा है फोर्स के बारे में, एक नेगेटिविटी डाली जा रही है कि ए फोर्स ऐसी है, BSF हमारे लिए नहीं है, BSF लड़कियों के लिए नहीं है, CRPF लड़कियों के लिए नहीं है, या ये असम राइफल लड़कियों के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। BSF एक बहुत ही दमदार फोर्स है। इसकी जब आप वर्दी में निकलते हो ना 47 लेके, तो जब साइड वाले ऐसे आप चलते हो बढ़िया सीना तान के ऐसे चलते हो गर्व से, तो एक अलग ही फीलिंग आती है आपको, वो फीलिंग का मुकाबला आप कभी नहीं कर सकते। पैसों बहुत पैसा है इसमें, सब कुछ बहुत है। आपके भी कोई डाउट है तो आप हमें बताएं, हम आपके डाउटों को क्लियर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।